खरगोन जिले के सेगांव में पिछले 9 दिनों से चल रहे उल्टी दस्त के प्रकोप से मरीजों का आंकड़ा 200 पार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक पीएचई व स्वास्थ्य विभाग यह पता नहीं लगा पाए कि उल्टी दस्त की बीमारी किस कारण फैल रही है। सेगांव में उल्टी दस्त को लेकर तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, जनपद सीईओ एमएल पाटीदार, पीएचई विभाग के एसडीओ बीएस आचार्य, बीएमओ डॉक्टर हरि सिंह जाटव और कोचले ने पंचायत टीम के साथ पानी के स्रोत, बावड़ी, ट्यूबवेल व कुओं का निरीक्षण किया गया। वह पीएचई विभाग व पंचायत को पानी की मेन लाइन खाली करके पीने का पानी टैंकरों से नगर वासियों को देने की बात कही है या फिर एक सप्ताह तक नल जल योजना बंद करके देखने को कहा, इस पर नगर जन प्रतिनिधि व अधिकारियों की एक राय बनी है। वही पीएचई विभाग के एसडीओ आचार्य ने बताया कि हमारे द्वारा नलों के सैंपल लिए थे जिसमें नगर के दीपक राठौड़ व दिनेश यादव के नलों के पानी में बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई। वहीं क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर द्वारा फोन से खरगोन कलेक्टर, पीएचई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने इंदौर व खरगोन की पीएचई स्वास्थ्य टीम बुलाने की बात कही। साथ ही नगर वासियों ने बताया कि जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो जन आंदोलन हो सकता है। फिलहाल जो पानी के सोर्सेस थे, जैसे तीनों कुओं का सैंपल भी लिया था, उसमें तो कोई डिफेक्टिव रहा नहीं। पानी साफ सुथरा जो हमारे मापदंड है उसके अनुसार पाया गया था। आप ये हमने 4 सैंपल घरेलू कनेक्शन के लिए है, इसमें क्या है कि 4 सैंपल लिए थे उसमें 2 में बैक्टीरिया पाया गया। बैक्टीरिया इसलिए पाया गया कि कहीं ना कहीं लाइन लीकेज है और लीकेज होने के कारण वो पानी, नाली का पानी पाइप में जा रहा और उसी से सप्लाई वो होती तो उससे क्या है कि ये हो सकता है। सभी अपना पानी उबाल कर और क्लोरीन की टैबलेट डाल के पानी का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ORS का उसमें घोल बना के उपयोग करें। सभी लगभग अभी 125 से लेके 145 मरीज अभी आ चुके हैं। अभी विगत 8 महीने उनका समुचित उपचार किया जा रहा है और हमारे द्वारा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा भी सतत निगरानी की जा रही है। वो भी टीम हमारे यहाँ उपस्थित है आज, वो भी मरीजों से उपचार कर रहे हैं। स्टूल की जांच की रिपोर्ट थी, स्टूल की जो जांच भेजी थी हमने, 4 सैंपल लिए थे और उनके द्वारा 4 बैक्टीरियाओं का वो पाया गया था, उसमें वो नेगेटिव आई है। 4 बैक्टीरिया जो लगाई गई थी, 4 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जैसे हम यही अपील करते हैं सभी लोगों से कि एक तो जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसको बॉयल करके गर्म करके और उसमें क्लोरीन की टैबलेट पीस कर डालें और उसके बाद 1 घंटे बाद छान के पानी पिएं और ORS घोल बना के ही उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता, हैंड वॉश अपने हाथ वगैरह धो के ही उसको खाना खाएँ, या जैसे अपन शौच के ले जाते हैं उसके तुरंत बाद हाथ धोने के बाद ही उसका खाना खाएँ और पानी